नमस्ते दोस्तों, आज बनाएंगे बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बनाने के लिए इस टाइप का बैंगन मैंने ले लिया, उसको ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगाने से कैसे, जब हम इसको उतारते हैं, इसकी जो पापड़ी उतारते हैं वो इजीली उतर जाती है। फिर बीच में आप दो जगह इस तरीके से लंबा चीरा लगाइए, इससे कैसे बैंगन अंदर तक पकता है, प्लस ये भी पता चल जाता है अगर कोई कीड़ा वगैरह रहे तो वो भी हम पता कर लेते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट गैस की फ्लेम पे इसको भून लूँगी, और भूनने के लिए मैंने इसको रख दिया। फिर मैंने प्याज को बारीक काटने के लिए चॉपर में डाला है, अलॉन्ग विद मिर्ची, जितनी मिर्ची मुझे डालनी है, और चॉपर के हेल्प से इसे मैं बारीक इसको बारीक काट लूँगी। फिर उससे अभी देख लीजिए, इस तरीके का अगर बारीक काटेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैसा मुँह में सब मोटा मोटा खड़ा खड़ा नहीं आएगा। फिर टमाटर को भी इसी तरीके से चॉपर में मैं बारीक करूँगी, इसमें कैसे थोड़ा सा ये और ज़्यादा पिसी हुई अवस्था में आ जाता है तो और अच्छा टेस्ट आता है। फिर बैंगन मेरे भूनकर तैयार हो चुके हैं, उनको मैंने नीचे ऐसे प्लेट में रख लिया है। आप इसे ठंडा होने के बाद पील ऑफ करें, मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी थी इसलिए मैंने गर्म में ही पील ऑफ करने की कोशिश करी। ठंडा करेंगे ना तो इजीली जल्दी जल्दी हो जाता है, गर्म मैंने किया है तो थोड़ा मैंने चाकू की हेल्प लिया ताकि हाथ ना जले। आप ठंडा करके पील ऑफ कीजिए। फिर उसके बाद ये पील करने के बाद आप चाहे तो इसको मैश भी कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा चाकू से और ठंडा होने के लिए, थोड़ा अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं, प्रॉपरली देखने के लिए रखा है। फिर पैन में तेल लेकर, 2 बड़े चम्मच तेल लिए हैं मैंने यहाँ पे, और जीरा डाल के उसमें बारीक कटी हुई प्याज को मैंने डाल दिया है। बारीक कटी हुई प्याज को डालने से थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाता है, मोटा मोटा भी डाल सकते हैं बट बारीक अच्छा दिखता है। फिर मैंने यहाँ पे टमाटर को भी डाल दिया है और इसको मैं भून लूँगी। भूनने के बाद ये जैसे जैसे ही सुनहरा भून जाए उसमें आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए जितना आपको चाहिए। फिर उसमें 1 टेबल स्पून के करीब मैंने हल्दी डाला है। फिर मिर्ची 1 टेबल स्पून के करीब डाला क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी डली हुई थी, तो थोड़ी सी कलर के लिए प्लस थोड़ी हल्की और तीखी चाहिए थी। फिर धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है, फिर मैं इसमें किचन किंग भी डालूंगी। इसको थोड़ा आप चला लीजिए ताकि नीचे लगे नहीं, ये किचन किंग डाला है मैंने इसके अंदर। अब मैं जो भुना हुआ बैंगन था वो डाल दिया है और इसको मैं जस्ट चला लूँगी। फिर मैशर की हेल्प से मैं इसको प्रॉपरली मैश कर दूँगी ताकि कोई भी लंप ना रहे और खाने में टेस्टी लगे। अब धनिया डालकर मैंने इसको हल्का सा और थोड़ा पका लिया है और ये बनकर तैयार हो चुका है।